नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं संपुट की, कि संपुट क्या है और संपुट कैसे लगाया जाता है। क्योंकि बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर जैसे कोई श्लोक है या रामचरितमानस की कोई चौपाई है या फिर सुंदरकांड का पाठ है या कोई भी चालीसा है, इस प्रकार कोई भी चीज़ करते हैं तो अक्सर पंडित लोग या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि संपुट लगा के इसको पढ़ा करिए। संपुट लगाने का पहले तो संपुट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो संपुट एक तरह का कैप्सूल है। संपुट का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ दवाई रहती है सिलेंड्रिकल पार्ट में और एक इधर से कैप लगा रहता है, इधर से कैप लगा रहता है और दोनों को बंद कर दिया जाता है, वो होता है कैप्सूल। इसका मतलब ये है कि किसी भी पाठ को, जैसे हम ले लेते हैं सुंदरकांड, सुंदरकांड के पाठ को यानी सुंदरकांड की जो चौपाइयाँ हैं उन चौपाइयों को, उसकी शक्ति को अगर हम एकत्रित करना चाहें, आप इसका मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा पहले, कि जैसे आपने वो कांच देखा होगा अवतल लेंस जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे सूर्य की रोशनी तरफ रखते हैं, सूर्य की रोशनी इधर से पड़ती और वो नीचे जाके जो है वो कागज़ या कुछ ऐसी चीज़ होती है उसको जला देती है। यानी इतनी जगह की जो रोशनी होती है, सूर्य की किरणें होती है, उसको अपन ने क्या करा, उसको कन्वर्स कर दिया और एक पॉइंट बना दिया और पॉइंट बना के अपन ने क्या कर दिया, उसको नीचे थ्रो किया, तो उससे क्या होता है वो एनर्जी एक जगह पर आ गई तो ज़्यादा हो गई। ठीक उसी प्रकार से हम संपुट में भी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पाठ का, चाहे वो आपका सुंदरकांड हो या किसी प्रकार की कोई चालीसा हो या कोई कुछ भी प्रकार का जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उस अनुष्ठान की सारी शक्ति को अगर आप एकत्रित करेंगे तो क्या होगा, वो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो शक्ति को बढ़ाना या जो फैली हुई एनर्जी है उसको पास में लाना, उसको एकत्रित करना, यही क्या होता है, संपुट होता है। तो संपुट का मतलब तो अब जान लिया आपने। अब संपुट को कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और हमें एक संपुट लगा के उसका पाठ करना है। संपुट क्या है? संपुट जैसे अपन ने एक चौपाई ले ली, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये क्या है? एक चौपाई है जो कि संपुट का काम करती है, ये संपुट चौपाई कहलाती है। रामायण में यानी कि रामचरित मानस में ऐसी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, सिद्ध चौपाइयाँ हैं जिनको एज अ संपुट यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे श्लोक होते हैं जिनको एज अ संपुट यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या ले लिया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुंस दशरथ अजरी बिहारी, ये क्या हमारा संपुट है। अब हमको कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमने हमारे पास ये रामचरित मानस है, ठीक है, इस रामचरित मानस की हमने सुंदरकांड को ओपन कर लिया। ये मैंने यहाँ पे सुंदरकांड को ओपन कर लिया है। इसमें आपने देखा है शुरू में कुछ मंत्र हैं जो स्टार्ट होते हैं, जो सुंदरकांड स्टार्ट हो उसके बाद मंत्र हैं। मंत्र के बाद पहली जो चौपाई है, जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, ये एक यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, यहाँ से ये पहली चौपाई है। तो संपुट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, आप पहले बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, ये बोलेंगे। इसके बाद बोलेंगे जामवंत के वचन सुहाए, सोन हनुमंत हृदय अतिवाए, तब लगे मोहि परखो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस प्रकार से ये पूरी कितनी जो जितनी चौपाई है, 2, 4, 6, 8, 9, ये 9 चौपाई है, इन 9 चौपाई को पूरी बोल देना है। इसके बाद जैसी 9th वाली चौपाई ख़त्म होती है, यानी जो ना होई श्रमहारी, ये जो लास्ट चौपाई है, इसके बाद फिर से आपको संपुट बोलना है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों से दशरथ अजर बिहारी। फिर क्या आ जाएगा, ये दोहा आ जाएगा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, ये आपका दोहा है। दोहा जैसे ख़त्म होगा फिर से आपको वो संपुट बोलना, वो चौपाई बोलना। संपुट कौन सी चौपाई है आपकी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों से दशरथ अजर बिहारी। फिर आपकी वो चौपाई शुरू हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10 चौपाई होगी। इसके बाद फिर से आपको संपुट बोलना है, संपुट की वो चौपाई बोलना है। संपुट की चौपाई के बाद आपको फिर से जो दोहा आएगा दोहा बोल देना है। दोहा खत्म होगा फिर से आपको वो संपुट वाली चौपाई बोल देना है। इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी चौपाई आप लेना चाहें। अब आपको ये भी बताऊँगा मैं आपको आगे वाली वीडियो में कि कौन सी चौपाई का कौन सा महत्व है, यानी किस काम के लिए कौन सा संपुट यूज़ किया जाता है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि संपुट क्या है और संपुट कैसे यूज़ करते हैं, संपुट को कैसे उपयोग में लाते हैं, संपुट लगाने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा संपुट कौन सा काम करता है, यानी किस काम के लिए कौन सा संपुट यूज़ किया जाता है। अभी तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों से दशरथ अजर बिहारी इस चौपाई को एज अ संपुट यूज़ करके आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि संपुट किस प्रकार से लगाते हैं, तो इस प्रकार से आपको हर दोहे के बाद और पहले आपको संपुट वाला जो चौपाई है या मंत्र है वो आपको बोलना है। तो हर एक चौपाई के बाद उसको नहीं बोलना है, पूरे जो एक पूरा एक पाठ होता है चौपाई का, उसमें कभी 8 लाइन होती है, कभी उसमें 10 लाइन होती है, तो उसके पहले और उसके बाद में बोलना, हर एक चौपाई के बाद में नहीं बोलना, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।